हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का जीके वॉच स्क्रिप्ट में। और आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं गाइस। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में भी। गाइस, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। आप जानते हो कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने अगर पहले एग्ज़ाम दिए होंगे तो पूछा जाता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है या ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोगों को वही देखना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेडक्वार्टर्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे काम पर आते हैं गाइस। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे हेडक्वार्टर देखना है हमको जो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखना है जिनका हेडक्वार्टर हमारा जेनेवा में हो। तो गाइस, ऐसे तो याद नहीं कर सकते हैं, काफ़ी टफ होता है। तो हम लोग कुछ ना कुछ ट्रिक यूज करेंगे ताकि हम लोगों को लंबे समय तक याद रहे और कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हेडक्वार्टर देखते हैं जेनेवा में। तो गाइस, मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक दी है। वो ट्रिक हमारी क्या है कि इफ द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद वर्ल्ड और इंटरनेशनल एंड एंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन, देयर हेडक्वार्टर विल बी जेनेवा। कह रहा है कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका कि फर्स्ट लेटर W से स्टार्ट हो, यानी वर्ल्ड से स्टार्ट हो, या I से स्टार्ट हो मतलब इंटरनेशनल से स्टार्ट हो, और एंड्स विद किस पर, O पर हो, तो इन सबके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, जेनेवा में होंगे। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या कुछ ऐसा है। हाँ जी, आगे चलते हैं हम लोग WNI पे। तो देखते हैं भाई कौन कौन से ऐसे हेडक्वार्टर्स हैं। तो देखो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक ये हुआ, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और बौद्धिक संपदा संगठन और मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इन सभी के हेडक्वार्टर्स कहाँ, जैसे कि मैंने ट्रिक बताया है क्या, W से स्टार्ट हो या I से स्टार्ट हो और O पर एंड हो। तो इन सब के हेडक्वार्टर्स आपको याद नहीं करना है, सीधे सीधे आप लोगों को इंग्लिश में देखना है कि W से स्टार्ट हो रहा है और I पे एंड हो रहा है, तो आप तुरंत बता देंगे क्या हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, इनके सबके जेनेवा में होंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। और अब आगे चलते हैं हम, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि फिर से हेडक्वार्टर को हमें देखना है कि I से स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन और O पर एंड हो रहा है। ये भी आई से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर एंड हो रहा है, एंड ये भी आई से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर एंड हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप लास्ट में देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं UNCTAD। आप लोगों ने सुना होगा UNCTAD। UNCTAD क्या करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो कौन करता है, याद रखना क्या, UNCTAD। चलो भाई हमने देख लिया यहाँ पर। तो एक ही यहाँ पे एक्सेप्शनल केस देख रहे हैं, क्योंकि देखो इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है, तो मैंने सोचा कि इसको भी साथ में हम लोग एक तो याद कर सकते हैं, बाकी का तो ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया। तो गाइज नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जेनेवा में हमने देख लिया कि और अगर WHO हो, WTO हो, या बौद्धिक संपदा संगठन हो, या हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको इंग्लिश में याद रखना है, कुछ नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, केवल W और I देखना है और एंड्स किससे, O से। फिर देखते हैं ऐसे हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो, लंदन में हो। तो भाई कैसे इनको समझना है, तो हमने एक यहाँ पे ट्रिक देखा है। ट्रिक क्या है भाई हमारा, ट्रिक है आई एम कॉमन मैन इन लंदन। भाई अगर आपको लंदन भेजा जाएगा तो आपको क्या कुछ स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे ना, आप क्या होगे वहाँ पे, इंडियन हो तो कॉमन मैन ही रहोगे भाई। तो देखो कैसे याद करना है, आई एम एंड कॉमन, आई से क्या हो गया, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग कहोगे भाई ये भी तो आई से स्टार्ट हो रहा है, ओपे खत्म हो रहा है, आपने तो बोला था, तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। वहां पर मीटरोलॉजिकल है और यहाँ पे मैरिटाइम, जब भी मैरिटाइम की बात आए ध्यान रखना मेरिडियन, क्या मैरिटाइम से क्या हो गया, मेरिडियन, ग्रीन मेरिडियन, ग्रीन विच मेरिडियन, तो ये कहां से, लंदन से गुजरता है। तो ऐसे बस याद रख लेना कि अगर मैरिटाइम का आता है तो हमें तुरंत बता देना कहां पे, लंदन में। आप देखते हैं हम एम, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यू नो वेरी वेल ये क्वेश्चन IAS में आया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो बता देंगे आपको कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर गाइज हम यहाँ पर देख रहे हैं एक और है हमारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। जी आपने ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स सुने होंगे, तो कॉमनवेल्थ नेशन क्या होता है, यहाँ पर हम समझना है कि यूके ने यानी ब्रिटेन ने जहां जहां जिस जिस कंट्री में अपना कॉलोनी बनाई है उस सब कंट्रीज का क्या है, ये ग्रुप है। तो आई एम कॉमन मैन इन लंदन, अगर आपको ऐसा आपको निमोनिक याद रहता है तो आप तुरंत बता दोगे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट हम देखते हैं वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉशिंगटन डीसी, तो हमें हेडक्वार्टर बताना है कि वॉशिंगटन डीसी यानी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कि वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, तो आपको बताना है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक आया है हमारा, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल मनी, यार वॉशिंगटन जानते हो यूएसए क्या सबसे धनी देश है ना, और जब मनी की बात आए धनी देश में तो कौन होगा वो, कहाँ पर होगा उसका हेडक्वार्टर, वो वॉशिंगटन डीसी में होगा भाई। तो कौन कौन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये भाई भाई बहन या कुछ बोल सकते हैं, बहन बहन बोल सकते हैं, भाई भाई बोल सकते हैं, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जब मनी की बात आए वर्ल्ड बैंक भी क्या करता है, लोन देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखता है। तो ध्यान रखना कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक दोनों भाई भाई, और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, दोनों का हेडक्वार्टर होगा वॉशिंगटन डीसी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, वॉशिंगटन डीसी के बाद क्या आता है हमारा, वियना। वियना अच्छे से जानते हो आप लोग कि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं ऑस्ट्रेलिया नाम नहीं ले रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया, यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया, ओके। तो यहाँ पर क्या है, निमोनिक क्या है भाई, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एटॉमिक एंड पेट्रोलियम, यार जितने भी खतरनाक काम कुछ कुछ होते हैं जैसे पेट्रोलियम एटॉमिक, ठीक है, तो ये सब क्या थोड़े डेंजरस वर्ड लगते हैं हम लोग को, है ना। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को कि ये सब के हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, वियना यानी एटॉमिक और पेट्रोलियम क्षेत्र में, अगर मैं आपको भेजूँ रीजन में तो क्या बोलोगे, ना यानी आपको नहीं जाना, तो क्या वियना मतलब वी ना मतलब हमको नहीं जाना, तो कैसे, एटॉमिक एंड पेट्रोलियम रीजन में। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और क्या इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी, देखो यहाँ पेट्रोलियम यहाँ पर आया, एटॉमिक यहाँ पर आया और इंडस्ट्रियल यहाँ पर आया, तो आपको तुरंत यहाँ पे जान लेना है कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एटॉमिक पेट्रोलियम इनकी सबकी बात आती है तो कहाँ होगा, वियना होगा। इसको आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में अक्सर आता है ओपेक, ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना क्या है हमारा ओपेक, ठीक है, जो ओपेक भी दे देता है आपको ये नहीं देगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो आपको पेट्रोलियम उसमें ना दिखे और आप बोलोगे ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ना ओपेक याद रखना है, ठीक है, आप न्यूज में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूयॉर्क, चलिए न्यूयॉर्क में चलते हैं हम लोग, देखते हैं भाई न्यूयॉर्क में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो न्यूयॉर्क के लिए हमें समझना है कि वह न्यूयॉर्क को कैसे याद करेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होगा, तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक निमोनिक बनाया, निमोनिक हमारा क्या है, यूएन चाइल्ड एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, जी तो यहाँ पर क्या है, यूएन चाइल्ड एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, यानी ये तो हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा हमारा, इसका हेडक्वार्टर होगा हमारा न्यूयॉर्क में। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोला यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, जैसे आप लोग देखते हो उसका या सुनते हो आप लोग न्यूज़पेपर में आता है क्या यूनिसेफ, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा क्या कि यूनिसेफ लिख के आता है गाइस, यानी यूनिसेफ होगा तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि यूनिसेफ यानी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यूयॉर्क में। तो क्या चाइल्ड इमरजेंसी लग गई है यार, कहाँ लगी है, न्यूयॉर्क में लगी है, चाइल्ड इमरजेंसी से क्या हो गया, यूनिसेफ हो गया और यूएन से क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि न्यूयॉर्क में जो हेडक्वार्टर है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस पेरिस, ठीक है, तो पेरिस में हम लोग देखते हैं भाई, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सीन नदी है ना, कोई साइन नदी भी बोलता है, साइन रिवर बोलता है, तो ये कहाँ बहती है, पेरिस, चलिए ये क्वेश्चन ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पेरिस में देखते हैं भाई कि कौन कौन सा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा, सबसे पहले देखते हैं इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू टर्म इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, यहाँ मैंने देखो ग्रीन कलर से किया है, इट्स हेडक्वार्टर विल बी इन पेरिस, कहाँ होगा इसका हेडक्वार्टर, पेरिस में होगा। चलिए भाई तो देख लेते हैं कौन कौन सा हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो आपने ऐसे सुना होगा ये न्यूज में आता रहता है यार, OECD, तो OECD समझ रहे हैं ना, OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो भाई पेरिस में क्या होगा, पेरिस में इकोनॉमिक एंड एजुकेशन, न्यूयॉर्क में क्या था, न्यूयॉर्क में जल्दी बोलो, न्यूयॉर्क में पता नहीं है, चलो मैं बताता हूँ, वॉशिंगटन ने मैंने बताया था क्या मनी से रिलेटेड था, ठीक है, न्यूयॉर्क में एमरजेंसी था, और पेरिस में क्या इकोनॉमिक एंड एजुकेशन की बात होती है। और देखो यहाँ पर यूनेस्को, यहाँ पर देखो मैं आपको फिर से ना बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिसेफ था,
जो कि न्यूयॉर्क में, और ये क्या है, यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। तो याद रखना ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन का एक पार्ट है क्या, यूनेस्को, यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन का एक पार्ट है क्या, यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल। अभी आपको पता होगा कि अहमदाबाद सिटी को इसने अपनी लिस्ट में शामिल किया, हेरिटेज लिस्ट में। फर्स्ट सिटी क्या है हमारा, अहमदाबाद। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे आजकल ना, अमिताभ बच्चन काफी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बताइए 2 रात 4 रात कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। तो चलिए याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो पेरिस हमने देख लिया, पेरिस के बाद आता है सम अदर ऑर्गेनाइजेशन बैंक एंड ग्रुप्स। तो हम देख लेते हैं कुछ अदर कौन कौन से भाई, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा, कुछ बैंक होंगे, कुछ ग्रुप होंगे, तो उनको देख लेते हैं। तो पहला हमारा आता है क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, ये आपसे ना, ये हमको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा। तो चलिए भाई कैसे याद करेंगे इसको, देखते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस। याद रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर, मनीला फिलीपींस। तो एशियन कंट्री के सिवा भी वेस्टर्न कंट्रीज भी कुछ हैं इसमें, पैसिफिक कंट्रीज। तो ध्यान रखना कि इसमें क्या निमोनिक है, एशिया में मनीला खाने वालों का डेवलपमेंट होगा। नहीं, मनीला एक ऐसी चीज थी जो कि क्या मेजरमेंट था किसका, डेवलपमेंट का। तो हम बता देंगे एशियन डेवलपमेंट कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति क्या खा लेता है, अरे वनीला, वनीला आइसक्रीम से क्या बना दिया, मनीला। तो याद रखना जब मनीला खाया जाएगा एशिया में तो क्या हो जाएगा, तभी डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं एक मेजर हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, साउथ ईस्ट नेशन। गाइस कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है, पूछा जाता है इंडिया इज नॉट मेंबर विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कई सारे, तो इसमें देखना है, साउथ ईस्ट आ जाए यार, भारत किस में आता है, साउथ इंडिया में आता है, साउथ ईस्ट में नहीं आता है, म्यांमार है ना वो आता है साउथ ईस्ट में, गलती मत करना यहाँ पर। सार्क देगा हम लोग कर सकते हैं, G20 देगा हम लोग कर लेंगे, लेकिन ब्रिक्स देगा कर लेंगे, लेकिन अगर आसियान दे दिया तो नहीं भाई, आसियान नहीं है, याद कैसे करेंगे इसको। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, जकार्ता इंडोनेशिया। तो मैंने एक यहाँ पे ट्रिक बनाई है, ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक हमारी एस जैक, आपने देखा होगा एस जैक क्या होता है भाई, अपने अगर प्लेइंग कार्ड्स खेले होंगे तो इक्का और गुलाम जिसे बोलते हैं, है ना। हाँ, तो एस जैक याद रखना, एस जैक, ठीक है। एस से क्या हो गया, आसियान हो गया, और जैक से क्या हो गया, जकार्ता हो गया। तो यहाँ पे निमोनिक हमने बनाया। फिर आता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको देखते हैं, इसका निमोनिक क्या है, FAO, कई बार पूछा जाता है, हिंदी में भी आता है, खाद्य कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसा पूछा जाता है। तो हम बताएंगे इसमें क्या कि आई लाइक इडली इन फूड, भाई इडली डोसा सांभर आजकल बहुत खाते हैं सब लोग, ठीक है। तो याद रखना क्या, इडली, किसी को भूख नहीं लगनी चाहिए, इडली, आई लाइक इडली। तो इडली खाने में क्या पसंद करते हो यार, खाने हम लोग इडली पसंद करते हैं। तो क्या हो गया कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, इडली में हुआ। चलिए अब हम देख लेते हैं आसियान की, हमने बात की अभी, तो आसियान के बारे में जरा देख लेते, समझ लेते हैं। आसियान में ना 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज कौन से हैं, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। आपको यहाँ पर दिख रहा है म्यांमार दिख रहा है, थाईलैंड दिख रहा है, लाओस दिख रहा है, फिलीपींस दिख रहा है, वियतनाम दिख रहा है, कंबोडिया दिख रहा है, सिंगापुर दिख रहा है, इंडोनेशिया दिख रहा है, मलेशिया दिख रहा है, और ब्रूनी दिख रहा है। तो ये सारे कंट्रीज मिलकर क्या बनाते हैं, ये सारे कंट्री मिलकर बनाते हैं आशियान। देखो यहाँ पर अगर मैं वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा इसको, तो वर्ल्ड मैप में आप लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप में कहाँ पर, ये देखो यहाँ से ये कंट्रीज आते हैं ये सब, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड छोड़ देंगे यहाँ पे। तो देखो ये सब क्या है, ये सब बनाते हैं हमारे, यही सब क्या करते हैं, आशियान बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि आसियान में कौन कौन सी कंट्री आती है, यानी हम बोल सकते हैं कि भाई मालदीव, श्रीलंका, भारत, ये सब नहीं आते, ये सब साउथ एशिया का पार्ट है, ये साउथ ईस्ट का पार्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी बहुत चर्चा में रहा है क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। कैसे पता है ना आपको, हरीश सालवे का नाम, कुलभूषण जाधव का नाम, ये दोनों आपको याद होंगे। हाँ जी, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड। अभी कुलभूषण जाधव केस यहीं चल रहा है, पाकिस्तान ने कैद कर लिया था, मृत्युदंड का सजा सुना दी थी, तो
तो उसमें ना हम लोग केस जीते थे, अभी हरीश सालवे ने ना ट्रायल किया था भारत की ओर से। तो याद रखना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग नीदरलैंड। हमने निमोनिक क्या बनाया याद करने का, द कोर्ट गिव जस्टिस टू हैंग दिस मैन, यानी बोल सकते हैं कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने क्या बोला यार, कोर्ट ने जस्टिस दे दिया क्या कि एक हैंग, हैंग मतलब लटका दो किसको, इस आदमी को। तो हैंग मतलब क्या हो गया, हैंग मतलब हो गया हेग, और कोर्ट मतलब हो गया इंटरनेशनल कोर्ट। तो हम बता सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दी हेग नीदरलैंड। फिर आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यार याद रखना है, या कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुकदमा कुलभूषण जाधव का कहाँ चल रहा है, कुलभूषण जाधव का मुकदमा चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ध्यान रखना। ये दोनों ना यूएन का ही ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन में आता है, क्रिमिनल कोर्ट आता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली। तो प्लीज 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 इस चीज को ना मेंशन कर लेना, दोनों में डिफरेंस है, किसमें, कोर्ट ऑफ जस्टिस में और हमारा क्रिमिनल कोर्ट में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, हमारा आता है ग्रुप क्या, सार्क। सबने सुना होगा यार सार्क। देखो अब क्या, पहले था आसियान, साउथ ईस्ट आ रहा था, ये क्या है साउथ एशिया। तो भैया अगर आपको नाम दे देता है ऑप्शन में साउथ ईस्ट कंट्रीज का, तो याद रखना वो सब कोई कंट्री पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें है इसका हेडक्वार्टर क्या है, काठमांडू नेपाल, ठीक है। कब इसका फाउंडेड कब हुआ था, 1985 में। तो हम बता सकते हैं एक चीज़ याद रखना, कभी कभी ना क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यार, कुछ पता नहीं रहता है, यूपीपीसीएस वगैरह और भी एसएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो 1985 में इसका क्या हुआ था, फाउंडेड हुआ था ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल। फिर आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या, बिम्स्टेक पहले क्या था, विस्ट एक, यानी हम बोल सकते हैं पहले बांग्लादेश और इंडिया था, श्रीलंका था एंड थाईलैंड था, ध्यान रखना। तो ये क्या था, ये इकोनॉमिक ब्लॉक था बिम्स्टेक। एंड बाद में क्या, बाद में बाकी कंट्री शामिल हुए, यानी तीन कंट्री बाद में शामिल हुए। तो हमें यहाँ पे आपको बता देना, पहले क्या था, बिम्स्टेक था। तो हम बताते हैं द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यार कुछ याद नहीं करना, बताऊंगा कैसे समझना इसको। इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका, बिल्कुल आगा खां के द्वारा, हाँ जी याद रखना 1906 में, ठीक है। हिस्ट्री क्वेश्चन है, मैंने साइड से बता दिया आपका एडिशनल। हाँ नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो जरा आज साउथ सार्क को और बिम्स्टेक को जरा लोकेट करते हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख रहे हो इसको, ठीक है, आप यहाँ पे मैप देख रहे हो, मैप पे आपको दिख रहा है इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, सार्क को देखते हैं। देखो इंडिया एक मेंबर हो गया, जितना भी नाइबर कंट्री है किसका, इंडिया का, वो सारा का सारा आप लोग ना लर्न कर लो, आपको सार्क के मेंबर आठों याद हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान पांच हो गया, बांग्लादेश छह हो गया, श्रीलंका सात हो गया, और मालदीव जो कि लक्षद्वीप के नीचे, लक्षद्वीप का एक ये क्या, लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, लक्षद्वीप आर्किपेलागो का, जिसे बोलते हैं मिनिकाय, मिनिकाय के नीचे क्या मिलता है, मालदीव मिलता है। तो ये सारे कंट्रीज क्या हो गए, ये सारे कंट्रीज हो गए हमारे, जल्दी बताओ किसके, सार्क के मेंबर। अब हम बात करते हैं किसकी, बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक में यार मैंने पिछली वाले आपको बताया ना, पिछली स्लाइड में बताया क्या कि बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल क्या लिखा है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो हम देख लेंगे कि बहुत सारे कंट्री जो बे ऑफ बंगाल साइड आते हैं वो सब क्या होंगे, वो सब मेंबर होंगे किसके, वो सब मेंबर होंगे आपके बिम्स्टेक के। तो हम देख लेते हैं क्या कौन कौन से मेंबर, भाई इंडिया ठीक है, नेपाल ओके भाई ये भी है, भूटान हो गया, ये भी हो गया, कौन सा, बांग्लादेश, और यहाँ पे क्या हो गया, श्रीलंका। तो फाइव तो ये हो गए, ठीक है, कौन कौन सा, इंडिया बोल दिया हमने, नेपाल ना, उसके बाद हमारा नेपाल हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, भूटान हो गया, भूटान देख ले रहे हैं, भूटान हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमारा बांग्लादेश हो गया, चलो भाई उसके बाद क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, पांच हो गए। अब भाई कौन कौन से हैं, दो। तो यार याद रखना कि आसियान में ना दो कंट्री और आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक म्यांमार आता है जो कि साउथ ईस्ट का पार्ट है, और दूसरा क्या था, थाईलैंड आता है, क्योंकि थाईलैंड स्टार्टिंग से ही था, ठीक है। तो याद रखना कि ये सातों कंट्री मिलकर क्या बनाते हैं, बिम्स्टेक बनाते हैं, ठीक है। बिम्स्टेक कब बना था, 1997 में बना था, ठीक है, 1997 में। तो कभी अगर आपसे डेट पूछता है कि बताओ इसका डेट कहाँ, किस डेट में ये फाउंडेड हुआ, कि किस ईयर में फाउंडेड हुआ, तो आप बता देना कि वो ईयर क्या होगी, 1997 होगी। चलो मैंने ये आपको क्लियर कर दिया, आगे चलते हम लोग, देख सकते हो मैप आप लोग, ठीक है, करीब से भी। नेक्स्ट आता है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, काफी चर्चा में रहता है ये। तो याद रखना, सबसे पहले आपको बता दूं कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1945 में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों यार किया गया, सीधी सीधी बात है कि इंटरनेशनल पैमाने पर पीस रखने के लिए, देशों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक
ठीक है, देशों के बीच में अच्छा संबंध बनाने के लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो ये ऐसा इनिशिएट कर सके। तो भाई यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ 1945 में, उसके सिक्स ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अभी बताया थोड़ी देर पहले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, और यहाँ पे यूएन ऑर्गन्स का UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ, UNEP, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो ये सब हो गया। इसके बाद आता है सेक्रेटरी जनरल। तो यहाँ पर आपने इसके क्या सिक्स ऑर्गन देखे, तो जिसमें एक ऑर्गन क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसको हम देखेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देखेंगे, UNSC एंड G4, इनको दोनों में रिलेशन क्या है। तो UNSC को देख लेते हैं, UNSC क्या है हमारा, UNSC हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन क्या है, तो हम फंक्शन बता सकते हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना, ठीक है, और साथ में क्या है, ठीक है, देशों के बीच में अच्छा संबंध बनाना, और क्या करता है, यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके अप्रूव करता है कि कौन कौन से और कंट्रीज हैं जिनको कि जो कि मेंबर बन सकते हैं। तो अभी 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। तो भारत इसका पार्ट है, भारत इसका पार्ट नहीं है, वही समस्या है, वही समस्या हम देखते हैं। समस्या क्या है, समस्या है G4, 2005 में बना था, पहले तो इस चीज को समझना होगा। चलो भाई, G4 का निर्माण कब हुआ, 2005 में हुआ, ठीक है। अब बात आती है कि G4 है क्या, G4 नेशन कंप्राइजिंग ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान आर 4 कंट्री विच सपोर्ट ईच अदर वर्ड्स फॉर परमानेंट सीट्स ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा कि देशों के बीच में सामंजस्य बना के रखना और इंटरनेशनल लेवल पर पीस बना के रखना। तो इस चीज को हम समझ सकते हैं कि हमारा ये यूनेस्सी का रोल क्या है। अब G4 क्या कर रहा है, G4 में जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को शामिल करो जो कि परमानेंट मेंबर्स के रूप में, ठीक है। अब हमें देखना है आगे और भी चीजें कि G4 के मेंबर क्या है, क्वेश्चन आता है तो बता देंगे, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान ये मेंबर हुए। UNSC के कौन कौन से, भाई ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, UNSC के मेंबर बताओ, तो आप बता सकते हो UNSC के मेंबर कौन है, इसमें कोई भाई याद करने वाली चीज नहीं है, बताओ कौन कौन से हो सकते हैं UNSC के मेंबर। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कौन कौन से शक्तिशाली देश थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो पहला क्या हो गया, जल्दी बोलो, पहला हो गया UK, दूसरा क्या हो गया, USA, दो तो भाई ये हो गए, और कौन कौन से हो गए, क्या जापान होगा, भाई जापान नहीं होगा, जापान G4 में शामिल है, तो यार गलती मत करना यहाँ पे। और कौन सा होगा जी, और हमारा होगा UK हो गया, ठीक है, USA हो गया, फ्रांस हो गया, ध्यान रखना फ्रांस भी इसका मेंबर नहीं है, किसका, G4 का मेंबर नहीं है, तो कहाँ जाएगा फ्रांस, फ्रांस हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और कौन सा हो गया हमारा, रशिया मेंबर हो गया, ठीक है। तो इनको ना आपको याद रख लेना है, पांचों को आपको याद रख लेना है, प्लीज कभी भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा, ठीक है। UNSC के मेंबर बताओ, परमानेंट मेंबर कौन से हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक है। और G4 में आपको अगर पता, G4 की अगर बात करता है तो आपको G4 भी याद रखना कि G4 क्या है। तो गाइज आज हम लोगों ने ना हेडक्वार्टर, जो भी हेडक्वार्टर्स थे, जो भी ग्रुप्स थे, उनको आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब हम लोग आगे की वीडियोज में इंटरनेशनल इंडेक्सेस को देखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, एंड गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट मेरे को स्टिमुलेट करेंगे कुछ अच्छा करने को, ठीक है।